तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आज एक टॉपिक लेकर आया, आज हम अपग्रेड करने वाले हैं टर्टल टैंक को। देख सकते हैं मेरे साथ, ये एक साल से टर्टल है मेरे पास यहाँ पर। ये टैंक में जब मैं लेकर आया था तो उसके साइज़ जो है कॉइन साइज़ था, तो अभी ये तकरीबन 6 से 7 इंच हो चुके हैं। तो टैंक बहुत छोटा हो चुका है, बहुत दिन से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं भी हालांकि बहुत दिन से चाह रहा था कि अपग्रेड करूं, लेकिन थोड़े कारणों की वजह से डिले हो गया। तो अभी मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ। ये है लगभग अब 14 या 15 इंचेस की टैंक है, 1.5 फीट से कम है। अभी ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ 2.5 फीट की टैंक है, 2.5 फीट की टैंक में इसमें शिफ्ट करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने बास्किंग एरिया तगड़ा वाला बना लिया है और यहाँ पर एसेसरी सब ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं अपग्रेड करता हूँ और दिखाता हूँ। तो बचा आज का सेटअप यही था। देखिए मैंने इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया, पुराने यूवी लाइट को इसमें रखा हुआ था तो मैंने ये भी शिफ्ट कर दिया। यूवी लाइट है अभी इसमें, मैं पता नहीं क्या रखने वाला हूँ। आप सजेस्ट कीजिए इस टैंक में क्या रखूँ, क्योंकि अभी ये जगह खाली पड़ी है। तो आप ही सजेस्ट करो कि इस टैंक के अंदर मैं क्या रख सकता हूँ, कौन सी फ़िश सूटेबल है इसके लिए। और नेक्स्ट जो है ये अपडेट लाने वाला हूँ मैं, इसको मैं सारे फिशेज जो भी है निकाल कर इसमें आरोना छोटी आरोना रखने वाला हूँ, या कोशिश करूँगा आरोना अगर बहुत छोटी नहीं मिली 5 से 6 इंचेस की तो मैं ये निकाल कर अब पैरेट फिश आसकर रखूँगा। तो बस यही था। तो अभी मैं इसको परमानेंटली यहाँ पर रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास रूम में जगह खाली नहीं है। पूरा घर भरा हुआ है टैंकों से, तकरीबन अभी मेरे पास 10 टैंक्स हो चुके हैं और बहुत मुश्किल होती है मैनेज करना, टैंक्स जगह नहीं है। तो अभी मैं देखिए फ़िल्ट्रेशन सिस्टम मैं बताने वाला था, फ़िल्ट्रेशन सिस्टम मैंने किस तरह बनाया है। ये खुद बॉक्स बनाया हुआ है टॉप फ़िल्टर का, खुद बॉक्स फ़िल्टर बनाकर ये जो यहाँ पर ये टॉप फ़िल्टर है इसका सिंपली सी क्या क्या है, ये जहाँ पर पाइप आता है
वो वाला पाइप ऊपर लाकर यहाँ पर छोड़ दिया, जिससे पानी क्लीन होता रहेगा। और बासी वगैरह बहुत मस्त है यहाँ, अगर 10 केजी का किलो भी वज़न डाल दो यहाँ पर तो ये नहीं गिरेगा, 10 किलो का भी वज़न संभाल सकता है। तो बड़ा टर्टल भी अगर ऊपर आकर यहाँ पर बैठे तभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे थोड़ा फिल्टर का फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको कुछ सॉर्ट आउट करने का। तो पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने सेपन पाइप मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ है, तो इससे मैं थोड़ा पानी का फ्लो जो है टर्न कर लेता हूँ, थोड़ा बेंड करके। थोड़ा ये पाइप जो है वेस्ट है मेरे पास, इसलिए अभी टर्टल को कोई दिक्कत नहीं होगी ऊपर को आकर बैठने के लिए। देखिए, पहले यहाँ पर फ्लो ज़्यादा था, ऊपर बासिंग एरिया में आना मुश्किल था, तो मैंने सैफन का जो पाइप आता है उसका वेस्ट पाइप पड़ा होता तो उसको मैंने अल्टर करके इस तरह मोड़ दिया है जिससे वो तकलीफ़ ना हो। तो ये सेटअप कैसा लगा आपको, इसके बारे में कमेंट में बताइए ज़रूर। यूवी लाइट मैंने सब सेटअप कर दिया है और फ़िल्टर भी बहुत अच्छे से हो रहा है और ऑक्सीजन भी सप्लाई हो रहा है उसके थ्रू से, जो पाइप में पानी आता है और बबल्स के थ्रू से भी ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रहा है। तो भी मैंने यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट कर दिया, मैं देख सकते हैं यहाँ पर मैंने विंडो के नज़दीक में रख दिया, यहाँ पर पहले यहाँ पर था और छोटी जगह होने की वजह से मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बास्किंग एरिया, तो यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, जो मॉर्निंग के टाइम पे सनलाइट थोड़ा बहुत इसको इनडायरेक्टली मिल जाएंगी, टर्टल्स को बास्किंग एरिया में बैठने के बाद इनडायरेक्टली उनको थोड़ा बहुत मॉर्निंग में मिल जाएगा। इवनिंग टाइम पे मैं यूवी लाइट ऑन करके रखूँगा, थोड़ा टाइम नाइट में तो ऑफ करके रखना है, सिर्फ इवनिंग टाइम ऑन करके रखूँगा। तो ये कैसी स्पेस है, आपको कैसा लगता है, स्पेस सही है नहीं, आपको वो भी कमेंट बता देना।